नमस्कार एबीएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। शेयरों की कीमत में लगातार गिरावट के बीच अडानी समूह चौतरफा गिरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से अदानी ग्रुप को दिए गए कर्ज की जानकारी मांगी है, तो वहीं दूसरे देशों ने भी मार्केट के इस अप्रत्याशित घटनाक्रम को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लेना शुरू किया है। इन देशों में बांग्लादेश शामिल है। बांग्लादेश ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ 2017 के बिजली खरीद समझौते में संशोधन की मांग की है। बांग्लादेश का कहना है कि बिजली की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं और ये कम होनी चाहिए। अडानी पावर लिमिटेड झारखंड के गोड्डा जिले में पावर प्लांट लगा रही है। 1600 मेगावाट क्षमता वाले इस प्लांट से बांग्लादेश को बिजली भेजी जाएगी। बांग्लादेश अभी भारत से 1160 मेगावाट बिजली आयात करता है। साल 2017 में हुए समझौते के मुताबिक गोड्डा प्लांट से पैदा हुई कुल 1600 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को भेजी जाएगी। अडानी ग्रुप के साथ ये समझौता 25 सालों के लिए हुआ। बांग्लादेश को इस साल मार्च से गोड्डा प्लांट से बिजली मिलने वाली है। बांग्लादेशी मीडिया यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश यानी कि UNB की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी BBDB ने बिजली खरीद समझौते में संशोधन के लिए अडानी समूह को पत्र भेजा है। इस सरकारी एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि अडानी समूह इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले कोयले की कीमत पर फिर से विचार करे। कोयले के आयात को लेकर अडानी ग्रुप ने BBDV को लेटर ऑफ क्रेडिट खोले जाने के लिए पत्र भेजा है। भारत सरकार से लेटर ऑफ क्रेडिट लेने के लिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड से डिमांड नोट लेना जरूरी है। वही अधिकारियों का कहना है कि बिजली के लिए कोयले की खरीद का बोझ अंतिम रूप से बांग्लादेश पर ही पड़ना है, इसलिए संशोधन करने को कहा गया। हिंडबर्ग रिपोर्ट के फैसले के बाद अडानी ग्रुप को लेकर अलग अलग देशों ने फैसले लेने शुरू कर दिए। इससे पहले ये खबर सामने आई कि स्टॉक एक्सचेंज डाउन जोन्स ने अडानी एंटरप्राइजेस को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर कर दिया। वहीं दो दिन पहले क्रेडिट स्विस ने अडानी ग्रुप की कंपनी के बॉन्ड्स के बदले मार्जिन लोन देने पर रोक लगा दी। क्रेडिट स्विस एक ग्लोबल बता दें कि इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विस फर्म है। इसका बता दें कि हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में है। वहीं इधर अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमतों में गिरावट लगातार जारी है। 3 फरवरी को अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर की कीमत 25% तक गिर गई। एक हफ्ते से शेयरों में भारी गिरावट के बाद अडानी ग्रुप कंपनियों की कुल बाजार पूंजी 10 लाख करोड़ रुपए से नीचे चली गई है। वहीं 24 जनवरी को ग्रुप की कंपनी का मार्केट कैप 19,20,000 करोड़ रुपये था। ऐसी और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए APN न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।